धुळे शहराच्या विकासात जास्तीत जास्त भर कशी घालता येईल यासाठी शहराचे विद्यमान आमदार डॉ फारुख शहा हे प्रयत्न करीत आहेत. आज देखील शहरातील सुलतानी नगर येथील मोकळ्या जागेवर साकार होणाऱ्या गार्डनच्या वॉल कंपाऊंडचे उद्घाटन करण्यात आले. धुळे शहरातील सुलतानी नगर येथील सर्वे क्रमांक 436 येथील मोकळ्या जागेवर सदर वॉल कंपाऊंडचे उद्घाटन करण्यात आले. या ठिकाणी महिलांसाठी व लहान मुलांसाठी आकर्षक असे गार्डन तयार केले जाणार आहे. यासाठी 1 करोड रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती आमदार डॉ फारुख शहा यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. यावेळी मेहमूद भाई, मेहमूद पठाण, सलीम शहा, इरफान भाई, नुरा ठेकेदार, गनी डॉलर, डॉ दीपश्री नाईक, आसिफ भाई, सईद बंग, नासिर पठाण, वसीम अक्रम, सत्तार शहा, परवेश शहा, केसर पेंटर आदी परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. सभी शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं. आज हमने सर्वे नंबर 436 सुल्तानिया मदरसे के सामने एक जो ओपन स्पेस है इसके वॉल कंपाउंड का आज शुभारंभ किया है. इसके लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष निधि हमने मंजूर कराया है और हमने देखा है कि जो धुलिया शहर में शहरवासियों को घूमने फिरने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं है, जो एक महानगर पालिका की मालकी हक का टावर गार्डन था उसको भी सत्ताधारियों ने खंडर बनाकर रख दिया है. इसलिए हमने खास करके महिलाओं के और बच्चों के लिए एक बेहतरीन गार्डन यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने महाराष्ट्र राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे साहब से भी बात की है. उन्होंने हमको 5 करोड़ रुपए इस गार्डन को तैयार करने के लिए देने का वादा किया है. इसलिए आज हमने यहाँ पर वॉल कंपाउंड का जो काम का शुभारंभ किया है, ये जैसे ही पूरा होता है उसके बाद हम लोग फौरन एक शहरवासियों के लिए बेहतरीन बगीचा गार्डन यहाँ पर बनाने वाले हैं. आज इस मौके पर हमारे साथ में हमारे नगर सेवक गनी भाई डालर, हमारे महिला जिला अध्यक्ष दीपा मैडम, हमारे शहर अध्यक्ष नूरा भाई ठेकेदार, युवा अध्यक्ष वसीम अकरम, सत्तार भैया, सलीम शाह और यहाँ मेरे सभी साथी जुनेद पठान, आजाद हिंद संगठन के रफीक पठान और सभी मेरे सऊद आलम मेरे साथी सभी मौजूद हैं.